के महत्व और तीर्थ यात्रा से मिलने वाली सकारात्मक ऊर्जा का एहसास कराता है ट्रिपल न्यूज का गतिमान कदम तीर्थ यात्रा। तीर्थ यात्रा में हम आपको प्रत्येक राज्य के सभी सिद्ध व अतिशय स्थलों की बारी बारी से झलक यात्रा करवाने जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज प्रस्तुत है भव्य जिनालियों की अद्वितीय माला पपोरा तीर्थ के बारे में जानकारी। घनी वृक्षालियों के बीच विशाल परकोटे में समतल भूमि पर एक साथ 108 भव्य जिनालय मंदिरों की ये अद्वितीय माला है पपोरा तीर्थ। सभी जिनालय विविध शैलियों के बेजोड़ नमूने हैं। पपोरा जी के विशाल परकोटे में 12वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी तक हर काल के जिनालय और प्रतिमाएं विराजमान हैं। यहां 800 वर्षों में लगातार कभी मूर्ति तो कभी मंदिर निर्माण का कार्य हुआ है। यहां एक मंदिर रथाकार है और 70 फुट ऊंचा है। वहीं भगवान बाहुबली का गोलाकार मंदिर 24 स्तंभों पर टिका हुआ है। इनमें 15 फुट ऊंची बाहुबली भगवान की प्रतिमा है। एक भव्य 24 मंदिरों का समूह 24 के नाम से जाना जाता है। यहाँ दो विशाल प्राचीन भोयरे यानी भूगर्भ स्थित मंदिर हैं। अतिशय यह है कि इनकी चमक और आकर्षण आज भी श्रावकों को चकित करने वाला है। पद्मावती संयुक्त पार्श्वनाथ की प्रतिमा अत्यंत मनोयज्ञ है। क्षेत्र के अतिशय को लेकर कई जनश्रुतियां हैं। घटना विक्रम संवत 1872 की है। यहाँ की वर्तमान मंदिर संख्या 1 की नींव भरी जा रही थी। एक वृद्ध माँ इस मंदिर का निर्माण करवा रही थी। इस अवसर पर मौजूद जनसमूह को प्रतिभोज देना बाकी था, लेकिन कुएं का पानी समाप्त हो जाने से समस्या खड़ी हो गई। वृद्धा ये देखकर घबरा गई कि अब क्या करें। वो सरसों से बनी चौकी पर बैठकर कुएं में उतरी और प्रभु का स्मरण करती रही। उसकी याचना से वहां जल स्रोत फूट पड़ा। तभी से कुएं का नाम पत्राखन पड़ गया। पत्राखन यानी लाज रखने वाला। एक अन्य जनश्रुति के अनुसार यहां एक पुरानी बावड़ी है। ये हमेशा ऊपर तक पानी से लबालब हुआ करती थी। जब भी यहां आने वाले यात्रियों को भोजन बनाने हेतु बर्तनों की आवश्यकता होती थी तो वो इनमें आवश्यक बर्तनों की लिखित सूची बावड़ी में डालने पर वो बर्तन थोड़ी देर में ही पानी की सतह पर आ जाते थे। यात्री बर्तनों का प्रयोग कर उन्हें पुनः बावड़ी में डाल देता था। एक बार लालचवश किसी यात्री ने बर्तनों को पुनः बावड़ी में नहीं डाला और अपने साथ लेकर चला गया। तभी से यहाँ बावड़ी ने बर्तन का दान देना बंद कर दिया। विशेष अवसर कार्तिक सुदी त्रयोदशी से पूर्णिमा तक वार्षिक मेला, कार्तिक सुदी अमावस्या को महावीर निर्वाण महोत्सव। पहुंच मार्ग रेलवे स्टेशन ललितपुर 65 किलोमीटर, झांसी 100 किलोमीटर, मऊरानीपुर 60 किलोमीटर, बस स्टेशन टीकमगढ़ 5 किलोमीटर, दमोह 135 किलोमीटर, सागर 125 किलोमीटर। लेखन एवं संयोजन आकांक्षा पाटनी।